गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में रक्तदान अपने द्वार कार्यक्रम के तहत एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में ग्रामीण युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय थाना प्रभारी ने भी रक्तदान कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आयोजकों ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में रक्त की भारी कमी हो रही है, साथ ही हमेशा रक्तदान करने वाले भी कोरोना की वजह से अस्पताल जाकर रक्तदान करने से डर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के आयोजन से लोग सुरक्षित रहकर रक्तदान कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब मेरे को आज सुबह मालूम चला कि आप लोग RSS की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा हर किसी को ऐसे सामाजिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए समय के साथ। बचपन से हम लोग ऐसा सुनते हैं कि रक्तदान महादान होता है, और अभी खास करके कोरोना महामारी के समय हर किसी से यही उम्मीद की जा सकती है कि यथासंभव जिनसे ऐसा संभव हो वो रक्तदान करें। अगर आपका खून किसी दूसरे व्यक्ति की जान बचाने में किसी दूसरे व्यक्ति के लिए काम आ जाए तो इससे बड़ा परोपकार का कार्य कुछ भी नहीं हो सकता है। खास करके जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, युवा से तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो स्वस्थ होंगे। खास करके युवा को ऐसा रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और सभी से ये अनुरोध है कि घर पर रहें, मास्क लगा के रहें। ज़्यादा से ज़्यादा जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लें, कोरोना की वैक्सीन लें, किसी भी तरह के अफवाह पर भरोसा ना करें। हम लोग रक्त की कमी को दूर करने के लिए रक्तदान आपके द्वार कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसके तहत प्रतिदिन हम लोग सुदूर क्षेत्र में भी जहाँ रक्तदाता तैयार हैं रक्त देने के लिए लेकिन वो अस्पताल नहीं आ सकते, हम लोग उन तक पहुँचकर उनका रक्त संग्रह कर रहे हैं।